तुम्हारे लिए तो शायद कोई अपना प्यारा है भी नहीं। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे पता है जब डैड ने फुरकान भाई को कॉल करके कहा था ना कि सलार के साथ काम नहीं करना, आई स्वेयर टू यू मैं बहुत डर गया था, खौफ ज्यादा हो गया था। कि अगर मुझे काम नहीं मिला मैं अपनी बीवी की बेसिक जरूरतें भी पूरी करने के काबिल नहीं रहूंगा। फिर तो आपको इतनी फजूल खर्चियां भी नहीं करनी चाहिए। What are you talking about? कौन सी फजूल खर्चे? लिमिटेड इनकम में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने नहीं आना चाहिए ना फिर तो। अच्छा तो क्या नया प्रोजेक्ट मिलने पर ट्रीट भी नहीं एंजॉय कर सकते हम दोनों? नया प्रोजेक्ट? Yeah, I got a new project. I mean, छोटा सा है लेकिन मिला है। वाकई? Yeah. Congratulations. Thank you. चलो on that note, कुछ ऑर्डर करो अपने लिए। जी भाई, साहिबा कहाँ हैं? ऊपर हैं। ओ भाई रुको भाई। साहिबा, रुको भाई। साहिबा, क्या मसला है? क्या है? क्या मसला है? ऐसी की तैसी। भाई क्या कर रहे हैं आप ये? बुलाओ मैडम, क्या हो रहा है? क्या हो रही है? जाएं बीबी साहिबा को बुलाएं। जाएं। अच्छा अच्छा बुला रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा, वो नीचे मालूम नहीं कौन आया है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पर आप चलें। कौन आया है? मालूम नहीं कौन आया, आप चलें देखें, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हटो। याला। बीबी साहिबा ये देखें, तबला भी तोड़ दिया। आप जाएं, आप गेट पे जाएं। ठीक है जी। ये क्या हरकत है? हाँ अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने क्या हरकत की है? मैंने जलील करवा के रख दिया है तुमने मुझे। सालार मेरे घर पे आके सबके सामने मुझ पे हाथ उठाया तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुमने उसे ये क्यों कहा कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया? वो एक मिनट सच सच बताना मुझे। कहीं तुम्हारा और सालार का ये प्लान तो नहीं था कि मुझे ह्यूमिलिएट करो तुम लोग? मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का प्लान बनाऊंगी? हाँ मैं जानता कौन है। ह्यूमिलिएशन तो मेरी हुई है। हाँ वो भी सालार ने की है। मैं तो वाकई में उसकी हेल्प करने गई थी लेकिन सालार को मेरी हेल्प नहीं, दुश्मनी डिजर्व करता है वो, और वो मैं करूंगी। क्या करोगी तुम? उसने मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन किया ना, मैं उसे उसकी बीवी का कैरेक्टर दिखाऊंगी। इससे क्या होगा? वो कौन सा उसे छोड़कर चला जाएगा? तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? नहीं तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सालार लिबरल के नाम पर बेगैरत हो गया।
वो सितारा को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें बदला लेना है ना, कुछ ऐसा करो सितारा उसे छोड़कर चली जाए। सितारा, उससे तो बोतल का जिन मिल गया है। उसके हुक्म करने से पहले ही वो दुनिया हाजिर कर देता है। वो क्यों छोड़ेगी? वो इसलिए क्योंकि वो भी सालार की तरह एहसान फरामोश है। अगर सालार उसके लिए जान भी दे देगा ना, वो फिर भी छोटी सी हरकत के लिए उसे छोड़कर चली जाएगी। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में इतनी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री माय फुट, वो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते। क्या मतलब? मतलब ये, वो लोग बात नहीं करते तो नहीं करते। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हें किस बात की बेचैनी हो रही है? सलार ने फाइल लेते हुए मुझसे खुद कहा था, उसने कीमत सितारा को पाने की दी है, दूर करने के लिए नहीं। तुम चाहो तो हम एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। वाओ, अच्छी जिंदगी, और वो भी तुम्हारे साथ। सलार, मैं तुम्हारी जिंदगी में वो सारे रंग ला सकती हूँ जो वो तुमसे छीन रही है। आई मीन लुक एट यू, तुम्हें बादशाह से गुलाम बना दिया है। मैं तुम्हें दोबारा बादशाह बना दूंगी। कैसे? इसी तरह मेरे कमरे में घुसकर? सलार, मुझे पता नहीं था कि तुम दोपहर तक सो रहे होगे। Exactly. तुम्हें तो मेरा कुछ पता ही नहीं। तुम जैसी सेल्फिश लड़कियों को सिर्फ अपनी ख्वाहिशों का पता होता है। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुम इंतहाई बदतमीज लड़की हो साहिबा, जिसे ये भी नहीं पता कि किसी के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए, स्पेशली उसकी बीवी की गैर मौजूदगी में। बिल्कुल भी नहीं। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुमने ज़ियान के साथ मिलकर जो किया ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से, और नेक्स्ट टाइम इस घर में आने से पहले अपनी लिमिट जरूर याद रखना।